हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है, आज का जो सब्जेक्ट है, पॉइंट है, आज का सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्वलंत चैप्टर है जिससे हम दिन रात 2400 घंटा रूबरू होते रहते हैं। इस चैप्टर से हम हमेशा अपने आप को फेस करते रहते हैं। उस चैप्टर का नाम है डिप्रेशन, 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 डिप्रेशन। आज हमारा लगता है कि दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। और डिप्रेशन मतलब क्या हुआ? नकारात्मकता, हमेशा अपने आप में निराशा की भावना, यानी कुछ भी करना है तो लगता है कि ये हमसे काम नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। हमेशा हर चीज़ के बारे में नेगेटिव रहना, हमेशा अब पक्षी है उसके बारे में सोचेंगे कि वह उड़ नहीं पाएगा, हवाई जहाज़ उड़ रहा है वो क्रैश कर जाएगा, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका जवाब नहीं होगा। तो सवाल है कि इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। तो आज जो है लगभग दुनिया की, आज लगभग दुनिया की 300 मिलियन जो आबादी है वह डिप्रेशन का शिकार है, और 8 लाख प्रति ईयर जो है दुनिया में लोग सुसाइड करते हैं, 8 लाख। और 18% जो इंडिया की आबादी है, या तो वह सुसाइड करती है या तो वह ट्राई करती है सुसाइड करने का। डिप्रेशन इतना ख़राब चीज़ होता है, इतनी ख़राब चीज़ होती है डिप्रेशन। तो जैसे हर एक घंटे पर इंडिया का एक छात्र सुसाइड करता है, तो क्यों करता है? हमें इसकी जड़ में जानी चाहिए, हमें इसकी जड़ में जानी चाहिए। आज हमारा जो आधुनिकता का जीवन है, आज हमारा जीवन, हम अपने जीवन को एक तरह से पूरा मशीन बना दिए हैं, और इसके कारण भी काफ़ी हद तक हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हमें इससे थोड़ा हटकर, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, 100 साल पहले 200 साल पहले की व्यवस्था थी, उसमें भी हमें जाना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे क्या हैं, आजकल हम लोग क्या करते हैं, दिन भर बैठे टीवी देखते रहना है, मोबाइल चलाते रहना है, तो इन सारी चीज़ों से भी हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें मशीनों के साथ रहने का जो गुण है उसे थोड़ा कम करना चाहिए। थोड़ा हमें, जैसे हो गया दिनचर्या में, जैसे कि व्यायाम करना हो गया, जैसे घूमना टहलना हो गया, जैसे मेडिटेशन हो गया, हमें कुछ देर मेडिटेशन भी करना चाहिए, अपने आप को पूरा ब्रह्मांड से, अपने आप को सब कुछ से अलग करके शून्य में रख देना ही कहलाता है मेडिटेशन। तो हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर डेवलप करना चाहिए। आजकल हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक कमी आ गई है। तो कंसंट्रेशन पावर की कमी होना भी, इसके कारण भी हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप फोकस करें, और हमेशा देखिए डिप्रेशन, अब जैसे अब किसी का मकान बन रहा है, मेरा मकान नहीं बना है, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरा मकान क्यों नहीं बन रहा है। बनेगा, बनेगा, जब समय आएगा तो बनेगा। अब सवाल है कि कोई कार खरीद लिया, हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हम परेशान हो जाते हैं। तो ये जो है लालसा, देखिए या ऐसा होना, सपने देखना लेकिन काम नहीं करना, इसके कारण भी डिप्रेशन का हम लोग शिकार होते हैं। तो जैसे कि आपको डिप्रेशन से आउट होने के लिए, जैसे हम डेली पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, घूमना भी चाहिए प्रकृति के साथ। आप प्रकृति के साथ भी कुछ देर तक रहना सीखें। आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, यानी मशीनों के साथ इतना ज़्यादा रहते हैं
कि लोग को लोग से बात करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप इन सारी चीज़ों से बचें, यह भी डिप्रेशन का एक फैक्टर है, इट डेवलप्स डिप्रेशन। तो इससे तो आप क्या करें, इससे बचने के लिए लोगों से बात करें। अगर किसी तरह की आपको परेशानियां है तो आप लोगों को बोलें और उससे आपकी परेशानियां घटेगी, और अगर ज़्यादा परेशानियां है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के जैसे आप, और एक बात, आज डिप्रेशन में एक फैक्टर यह भी आ रहा है कि हम लोग आज सही से सोते नहीं हैं। तो आप अपने नींद में खलल ना दें, आप जो 6 घंटा का जो है शेड्यूल है, 6 घंटा या 8 घंटा का, आप उसे ज़रूर कंप्लीट करें। जब नींद आए, जब नींद स्लीप लाइक ए डॉग मतलब होता है गहरी नींद में सोना, तो आप ट्राई करें गहरी नींद लेने का। इससे भी आपका डिप्रेशन से बहुत हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। और आप हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखें, हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखें। डिप्रेशन में हम कब चले जाते हैं, जब हम निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हमारा जॉब होगा कि नहीं होगा, मेरा एज पार हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है हम सोचने लगते हैं। इसी क्रम में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, रॉबर्ट फुल्टन जिन्होंने कि स्टीम बोट का आविष्कार किया, जब वो हडसन नदी पर उसका डेमो देने जा रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोग जुट गए। उसमें दोनों तरह के लोग आए, पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी, पैसिमिस्टिक कहते हैं निराशावादी को, और ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं आशावादी को। दोनों तरह के लोग आए, क्या बताया मैं नाम, रॉबर्ट फुल्टन, स्टीम बोट का आविष्कारक। तो अमेरिका में हडसन नदी किनारे जब इसका डेमो चल रहा था तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि इंजन स्टार्ट नहीं होगी, कुछ लोग सोच रहे थे नाव डूब जाएगी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ जानते हैं, रिजल्ट ये हुआ इंजन स्टार्ट भी हो गई और नाव चल भी पड़ी। तो इस तरह से इसे एटीट्यूड कहते हैं। आप अपने आप को रोज़ कसें। आप जब भी आपका दिमाग निराशा की तरफ जाए, अगर -1 आपके दिमाग में आ रहा है तो आप +2 ऐड कर दीजिए उसमें, तो +1 बचेगा। -3 आ रहा है आपके दिमाग में तो +7 कर दीजिए, +4 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आ रहा है कि थोड़ा सा भी नेगेटिव आ जाए, अगर एक ग्लास की मात्रा पर नेगेटिव आ रही है, आप उसमें एक लोटा पॉजिटिव मिला दीजिए और फिर देखिए, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव गेट पॉजिटिव, पॉजिटिव बिगेट्स पॉजिटिव। देखिए, अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप अपने आप को कभी निकम्मा, नकारा, मंदबुद्धि, इन सारी भावनाओं से आप मत देखें। आप अपने आप को ये समझें, मेरा अवतार इस धरती पर कुछ नया करने के लिए हुआ है। मेरा धरती पर आने का, भेजने का भगवान का कोई ना कोई ग्रेट ड्रीम रहा होगा, और वो हमको करके यहाँ से जाना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको कहना चाहता हूँ, आप सर आइजक न्यूटन का नाम सुने होंगे। सर आइजक न्यूटन, उन्हें सर की उपाधि मिली थी। सर आइजक न्यूटन विज्ञान की दुनिया का चमचमाता हुआ स्टार। तो न्यूटन की माँ 3 साल की उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई और किसी धनी आदमी से शादी कर ली। न्यूटन खोए खोए रहते थे, कभी कभी उनका इतना गुस्सा भड़क उठता था, एक बार तो जान से मारने का धमकी भी दे दिए थे अपने सौतेले पिता को और अपनी माँ को। न्यूटन
कभी कभी इतना चिढ़ जाते थे, उनको लगता था कि कभी कभी वो जीवन से निराश हो जाते थे और निराश होकर सोचते थे मैं अपने ज़िंदगी को फिनिश कर देता हूँ, लेकिन फिर खेलने के लिए लग जाते थे, तरह तरह के उद्यम में लग जाते थे। क्या आप सोचते हैं अगर न्यूटन अपने ज़िंदगी को उसी स्टेज में फिनिश कर देते। न्यूटन का जन्म क्रिसमस डे के दिन हुआ था, 25th of December, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे कहते हैं, और उसी दिन हमारे देश के एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर श्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म हुआ था। तो अगर न्यूटन ऐसा कर देते छोटी सी उम्र में, तो सूर्य का प्रकाश सात रंगों से बना होता है, इसका आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने किया। बायनोमियल थ्योरम, जिसको मैं अलजेब्रा का हट कहता हूँ, द हट, द सोल ऑफ द अलजेब्रा, उसका आविष्कार उन्होंने किया। उन्होंने कैलकुलस दुनिया को दिया, इसको आप कहते हैं हिंदी में कलन शास्त्र। उन्होंने स्पर्श रेखा पर डिस्कस करते करते मैथमेटिक्स की एक शाखा का आविष्कार कर दिए, जिसे आप क्या कहते हैं, कैलकुलस। उन्होंने कंप्यूटर के आविष्कार में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो न्यूटन, तो आप सोचिए कि न्यूटन अगर ऐसा कर देते, न्यूटन ने गति का नियम दिया दुनिया को कि बस अगर चलते चलते रुक जाती है तो आदमी आगे की तरफ क्यों गिर जाता है। तो सवाल है कि बस जब चल पड़ती है रुकी बस, तो आदमी पीछे क्यों गिर जाता है। तो कहने का मतलब है कि चलता हुआ घोड़ा अगर रुक गया तो आदमी आगे की तरफ क्यों फेंका जाता है। तो उन्होंने गति का नियम बताया, न्यूटन ने इस ब्रह्मांड का रहस्य खोल दिया कि दुनिया में जो स्टार्स हैं, पेड़ पौधे, पृथ्वी, चंद्रमा, सब समुद्र में ज्वार भाटा का आना, इसका कारण क्या है। तो इस तरह से न्यूटन ने ऐसा किया। तो आप सोचिए कि अगर वो डिप्रेस्ड होकर कुछ गलत एक्सप्रेस कर देते तो क्या होता। उन्होंने डिप्रेशन जैसे एक्सप्रेशन को इतने भिन्न भिन्न तरीके से सॉल्व किया कि आज दुनिया, जैसे आप क्रिकेट में सुनते होंगे कि सबसे ज़्यादा 50 मारने वाला बैट्समैन, सबसे ज़्यादा शतक वाला बैट्समैन, तो सचिन तेंदुलकर। मैं जब पढ़ता था, प्रैक्टिस करता था कंपटीशन की, तो कहते थे बहुत से स्टूडेंट की अगर क्रिकेट में कोई क्वेश्चन आ गया सचिन तेंदुलकर को रंग दो, और साइंस के क्षेत्र में कोई क्वेश्चन आ गया उसका आंसर न्यूटन दे दो। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिप्रेशन जैसे एक्सप्रेशन को आप इतने तरीके से सॉल्व कर दीजिए, और उसके सामने प्रॉब्लम के लिए आप क्या बन जाइए, तो आप जो है फिर देखेंगे वह डिप्रेशन नाम का जो एक्सप्रेशन है उसके सॉल्यूशन होते ही आप दुनिया में फिर वही बन जाएंगे। दुनिया आपको देखना चाहती है एक विजेता, एक विनर। आप विनर बने, रनर ना बने, अपने आप को कभी छोटा ना समझें। और जैसे कि युवा जो होते हैं उनको परेशानियां होती है। मैन जो है हमारे जैसे भारत जैसे देश के लिए, कि वहाँ पर ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं हैं, यहाँ ज़्यादा लोग चाहते हैं, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सका है, खास करके जैसे बिहार जैसे स्टेट। बिहार की आबादी 12 करोड़ प्लस है। बिहार स्टेट एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र डिप्रेस्ड रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा आश्रय जो रहता है स्टूडेंट का सरकारी जॉब पर। तो सवाल है कि आप अपने आप को डिप्रेशन से बचाएं,
अपने आप में टैलेंट। देखिए, आपका सबसे बड़ा सच्चा साथी है टैलेंट। इसके लिए आप क्या करें, अपने अंदर एक महान पावर को डेवलप करें और आप यह सोचें कि अगर जॉब नहीं भी हमको मिलेगी, अगर हमको जॉब नहीं भी मिलेगी तो फिर हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, हम जॉब टेकर नहीं, हम जॉब गिवर बन जाएंगे। आपको मैं इसी ऑर्डर में एक अमेरिकन बिजनेसमैन का नाम सुनाना चाहूँगा। उनका नाम था एंड्रियो कैरेज। एंड्रियो कैरेज जो थे वो ऑड्स जॉब से अपना जिंदगी स्टार्ट किए, आठ जॉब से। आठ जॉब में क्या कहते हैं, आठ जॉब मतलब हो गया जैसे मैं टीचर हूँ, मैं सब्जी बेचने लगूँ, मैं पकौड़ा तलने लगूँ, मैं खैनी तो मैं खैनी का दुकान खोल दूँ, ये ऑड जॉब हो जाएगा। जैसे मैं जिस काम को डिजर्व करता हूँ वो काम नहीं कर पाना, उसे कहते हैं ऑड जॉब्स। और उस ऑड जॉब से वो बहुत बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर बन गए और वो थे 43 मिलियन आदमी को डील करते थे, वो 43 मिलियन व्यक्ति को। तो सवाल है कि आप काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप उसे लगन से करें और कभी डिप्रेशन को ना आने दें। जब डिप्रेशन आए, देखिए आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। आप मुन्ना भाई MBBS में देखे होंगे आप कि जब वो आस्थाना जो डॉक्टर रहता है, जब उसे कोई परेशानियां आती है, जब हाई लेवल का उसको टेंशन होता है तो उसकी हंसी जो होती है वो हाई लेवल का निकलने लगता है। तो आप क्या करें, आप क्या करें, डिप्रेशन को अटैक करें, आप उसके अगेंस्ट खड़ा होकर डिप्रेशन को डिप्रेस कर दें। आप डिप्रेशन के सामने एक चुनौती बन जाएं। डिप्रेशन, मैं तुमको कभी अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं तुमको इतना कड़ा मेहनत करूंगा, इतना कड़ा स्ट्रगल करूंगा कि मैं तुम्हें अपने मुट्ठी का गुलाम बनाकर रखूंगा। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम वही करोगे, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगा। तो आप इस तरह का टैलेंट डेवलप करें और आप हर स्थिति में अपने दिल दिमाग को कनेक्ट करके बात किया करें। और अगर कभी दोनों में स्ट्रगल हो जाए, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, ऐसी स्थिति में आप स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट याद रखें कि जब हार्ट और सोल में टकराहट हो जाए तब हार्ट जो कहता है उसकी बात को सुने आप। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको कि आप डिप्रेशन को अपने आप पर हावी ना होने दें। आप जब डिप्रेशन आ जाए, जब आपका मन उदास हो जाए तो आप क्या करें, गाने सुनें, डांस करें, आप जो है कुछ नया करें। जैसे अब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मन उब गया, दो चार दिन रेस्ट कर लिए। जैसे अब किसान हैं, खेती कर रहे हैं, अब किसान हमारा जो है वह दिन रात 24/7 जुआ खेलता है। अगर सबसे ज़्यादा बड़ा जुआरी अगर है तो हमारा वो किसान, हमारा किसान हमेशा जुआ खेलते रहता है। वो उसको कभी सरकार की मार पड़ जाती है, कभी प्रकृति की मार पड़ जाती है, कभी मार्केट की मार पड़ जाती है। और इसलिए आज तक हमारे देश के किसान की हालत नहीं सुधरी है। उसके पास सब कुछ है लेकिन जब देखता है, अब किसान है, अब जैसे किसान अनाज उपजाया, अब उसके लिए मार्केट उपलब्ध नहीं है, मार्केट में उसका सामान कैसे जाएगा, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। सामान जाएगा भी उसको लागत लगा 10 लाख, आ रहा है 8 लाख, ये सारी परेशानियां हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा, आप एक प्लान करें कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, कभी भी आप नेगेटिव ना सोचें। आप देखते होंगे हमारे समाज में भी दो तरह के वर्ग हैं,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आप नेगेटिव के लिए चुनौती बन जाइए आप। जैसे अगर कोई छात्र पढ़ रहा है, उसके माँ बाप बहुत खर्चा कर रहे हैं, ठीक, ज़मीन जायदाद घर द्वार तक बेचने को तैयार हो जाते हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं कि बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को बेचने के लिए, मेरा किडनी ले लो, मेरा हार्ट ले लो, मेरा सोल ले लो, लेकिन इसके लिए मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को बनाने के लिए अगर ये सब करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। तो सवाल है, लोग करते भी हैं। तो उसी में एक ग्रुप और होता है निगेटिव, ये कुछ नहीं करेगा, ये पढ़ने में कमज़ोर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूटन का स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था। न्यूटन को कहा जाता था मंद बुद्धि का बालक, मंद बुद्धि का बालक। तो सवाल है कि आप जो है किसी को, छोटे को देखकर अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वह आगे चलकर क्या होगा। तो नेगेटिव चीज़ों से हमें हमेशा फेस करना है। बहुत से लोग आपको कह देंगे सामने, अरे तैयारी करता है, मेरा नहीं हुआ तेरा कैसे होगा, मेरे तेरे पापा का नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा, तेरे मोहल्ला में किसी का नहीं हुआ है तेरा कैसे होगा, तेरे गांव में किसी का नहीं हुआ तेरा कैसे होगा। तो आपको उसे कड़ा जवाब देना है अपने आयरन विल के द्वारा, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा। और जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगी, तब फिर आप जैसे कि कोई भी बड़े काम करने के लिए, नेगेटिव के खिलाफ खड़ा होने के लिए आपका इच्छा शक्ति जो है वो चट्टान से भी कड़ा होना चाहिए। और इसी के बदौलत आदमी माउंट एवरेस्ट तक का यात्रा कर डाले। लोग अब चंद्रमा पर जाने लगे, अब मंगल ग्रह की यात्रा करते हैं। तो सवाल है कि अब इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आप अपने आप को कभी निगेटिव वातावरण में ना रखें, अपने लोगों से बात करते रहें और नई नई चीज़ें, आप एक ही चीज़ को बार बार मत पढ़ें, आप जो है हमेशा नई नई चीज़ों को सीखें, समझें, अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करें। आप जादू टोना टोटका इन सारी चीज़ों से बचें। और जो जादू टोना से कुछ नहीं होता है, जादू टोना से कुछ नहीं होता है, आप जो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल अपने आप को बनाएं आप, और फिर देखेंगे जब आप अपने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाएंगे, अपने आप को रोज़ कसेंगे। और एक बात, डिप्रेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला ना, मशीन के साथ थोड़ा कम रहें आप। आप अपने समय को आप क्या करें, सदुपयोग करें। अगर आप समय को नष्ट करेंगे, समय आने वाला कल में आपको नष्ट कर देगा, समय आपको बर्बाद कर देगा। एक कॉन्टेक्स्ट में सुनाना चाहता हूँ आपको, आप सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट का देवता, क्रिकेट का लॉर्ड भी कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर एक बार मन की बात में स्टूडेंट को कह रहे थे, देखो छात्रों, मैं उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किस बॉल के बारे में सोचते हैं, आने वाली बॉल या जो बॉल आ रही है या जो बॉल आप खेल लिए। सचिन ने कहा कि नहीं, जो बॉल मैं खेल लिया उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, या जो बॉल आने वाली है मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं जो बॉल आने वाली है मैं उसके बारे में सोचता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रेजेंट में जीना सीखिए। अगर आप प्रेजेंट में अच्छा कर रहे हैं, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। लर्न फ्रॉम द पास्ट, एक्ट इन द प्रेजेंट, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। यानी आप जो है पास्ट में आपने क्या किया उससे सीखिए, आप उसका स्टडी कीजिए, और प्रेजेंट में एक्शन कीजिए आप। और प्रेजेंट में अगर एक्शन अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर शानदार होगा, जानदार होगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।